6.10 का ये टॉपिक समझ लो कि एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। ये जो आप डिफरेंशिएट करते हो ना, एरिया अंडर द कर्व इसका टॉपिक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। ये जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो ना किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, तो लेट कर लो अगर आपके पास एक कर्व है इस टाइप का, ये मैं कर्व बना देता हूँ, ठीक है। आपने एक पॉइंट ए पिक कर लिया, आपने बी पिक कर लिया। लेट कर लो कर्व जो है वो वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप मालूम करते हो ये क्या होती है, इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि ए से लेके बी ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया तो इसका आंसर पता है क्या होता है, एक नंबर होता है ना, वो नंबर आपको क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर जो पूरा एरिया है ना ये आपको बताता है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ए और बी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको फंक्शन पता होना चाहिए। आप उसको इंटीग्रेट करोगे आप आसानी से एरिया मालूम कर लोगे। जैसे 6.9 का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 6.10 का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 6.10 में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल 2 है पेज 230 पे, कि फाइंड द एरिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो एरिया है ना इसको चार चीज़ों ने बाउंड किया हुआ है, और चार तरीके से बाउंड हुआ हुआ है ना, चार तरफ से। एक तो नीचे से एक्स एक्सिस ने बाउंड किया हुआ है, ऊपर से फंक्शन ने बाउंड किया हुआ है, और साइड से एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, और ये लाइन है x इक्वल टू बी। इन चार चीजों ने इसको बाउंड किया हुआ है। तो x एक्सिस, दूसरी चीज फंक्शन मतलब कर्व ने खुद, तीसरी चीज x इक्वल टू ए लाइन, चौथी चीज x इक्वल टू बी लाइन। तो इन चार चीजों ने ये एरिया बाउंड किया हुआ है। तो अब सवाल इसका आता है, जरा गौर से देखो, फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस। जब x एक्सिस के अबव करना है अंडर द, ये तो खैर मुश्किल हो जाएगा यार, मैं बुक की एग्जांपल करवा देता हूँ। हाँ, एग्जांपल 1 करते हैं, वो थोड़ी इजी है। फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व वाई इक्वल टू एक्स। मतलब आपको एक कर्व दे दिया गया है वाई इक्वल टू एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। आपको बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3 निकालना है, मतलब ये दो चीज़ें आपको गिवन है। तो आप सवाल ज़रा देखो, आपको एरिया निकालना है अबव एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस ने बाउंड किया हुआ है। कर्व की इक्वेशन आपको दे दी गई है और इन दो की आपको इक्वेशन दे दी गई है। जो छोटा होगा उसको आप ए लेट कर लेना, जो बड़ा है उसको बी लेट कर लेना, अमूमी तौर पे ये हो रहा होता है। तो आप इंटीग्रल में लिखना है इसको, ए यहाँ पे क्या है 1, बी यहाँ पे क्या है 3, और कर्व यहाँ पे क्या है एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रेट करना आपके बाएं हाथ का खेल है, इसमें कोई मसला नहीं है आपको इंटीग्रेट करने में। सिंपल, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप यहाँ पे पावर रूल लगाओ, पावर अब इसकी 1 है तो ऐड करो 2, नीचे भी 2 आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी आप ऐड नहीं करते, और लिमिट यहाँ पे क्या है 1 से लेके 3। अच्छा, लिमिट्स हमने अभी तक सॉल्व नहीं की, देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। बहुत इजी प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करते हो, जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है ना आप अपर लिमिट पुट करो। तो यहाँ पे आपने अपर लिमिट पुट की डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद आप करते हो माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, आप 1 पुट करो यहाँ पे, दैट्स इट। तो पहले आप नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करते हो, उसके बाद आप अपर लिमिट पुट करते हो, फिर माइनस लगाते हो, फिर आप लोअर लिमिट पुट कर दो। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो 9/2 माइनस 1/2 हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पे एरिया जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास सवाल आ जाए एरिया अंडर द कर्व का, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। कुछ सवाल यहाँ तक, एरिया अंडर द कर्व की एक्सरसाइज में यही है कि आपको ये फॉर्मूला बस यूज करना होता है। बस जब वो बोले ना कि एरिया अंडर द कर्व, तो समझ जाना फॉर्मूला क्या यूज करना है आपने। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की फेडरल मोड में तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतनी एनडी में नहीं आती क्योंकि सिंध बोर्ड में नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं जो आपके काम आ सकती हैं। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि यार इस चीज़ को याद रखना कि जब आप लिमिट चेंज करते हो ना किसी इंटीग्रल की, जैसे इसकी लिमिट ए से लेके बी है, अगर आप इसको चेंज कर दो, आप इसको बी से लेके ए कर दो, मतलब आपने लिमिट को चेंज कर दिया, अपर को लोअर कर दिया, लोअर को अपर, तो फर्क ये पड़ता है कि इंटीग्रल के साथ माइनस का साइन आता है,
तो ये जहन में रखना। अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो इंटीग्रल के साथ माइनस आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की याद रखना कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है तो आंसर जीरो के बराबर हो जाएगा। कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, मुश्किल सा सवाल दे देते हैं, जैसे लेट कर लो जीरो से लेके नहीं पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, और मुश्किल सा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट कहेंगे यार क्या सॉल्व करें इसको, लेकिन ज़रा गौर करो लोअर और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो जब अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर जीरो के बराबर है चाहे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो। और एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, वो ज़रूरत तो नहीं है इतनी लेकिन देख लो फिर भी, कि अगर आप वेरिएबल चेंज करो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्स वेरिएबल यूज़ करो या आप यहाँ पे टी यूज़ कर लो, बात एक ही होती है। क्योंकि डेफिनेट के आंसर में कोई नंबर होता है तो इसमें भी वही सेम नंबर आएगा, इसमें भी वही सेम नंबर आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी वेरिएबल चूज़ कर लो। अच्छा, तो ये मैं आप लोगों को एंड पे आखिरी चीज़ बता रहा था। अच्छा, स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं होता, किसी सवाल पे डिपेंड करता है कि अगर मे बी आपको करनी पड़ जाए। अब सवाल मैंने आप लोगों को करवाया नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें कभी कभी हमें करनी पड़ जाती है, तो मसला ये कि कब करनी पड़ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, जब आपने लिमिट इंटरचेंज की तो आपके पास नेगेटिव आ गया, ये असल चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं तीसरी बता रहा था, देखो जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें आंसर में आपके पास एक पूरा फंक्शन आ रहा होता है। अगर आपका सवाल एक्स की फॉर्म में तो एंड पे आंसर जो है वो भी एक्स की फॉर्म में आ रहा है। अब अगर आपका सवाल एक्स की फॉर्म में था, आपने उसको टी की फॉर्म में लिख दिया, तो आंसर भी क्या होगा, टी की फॉर्म में हो जाएगा। तो सवाल एक्स की फॉर्म में था, आपका आंसर टी की फॉर्म में आ गया, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ये वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, आप इसमें कुछ भी पुट कर दो इसके आंसर में कांस्टेंट नंबर आएगा। तो आप एक्स पुट करो, आप टी पुट करो, आप कुछ भी पुट कर दो, नंबर जो है वो फिक्स रहेगा, नंबर में तो कोई चेंजिंग नहीं आ सकती ना, कोई कांस्टेंट आएगा आपके पास। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इजाजत होती है आप कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनडेफिनेट में वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। और एक आखिरी प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसका यूज नहीं मुझसे पूछना कहाँ पे होगा, लेकिन देख लो। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रल हो ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं इसी तरह कर लेता हूँ, बी कर लेते हैं इसको, ये आपको सवाल निकालना था। लेकिन कुछ सवालों में होता है कि आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, इनफैक्ट आपको छोटे छोटे एरिया दिए होते हैं। कहने का मतलब ए और बी के दरमियान को एक सी पॉइंट होगा कहीं भी, ये सी पॉइंट है, तो ए से लेके सी का दिया होगा, सी से लेके बी तक का दिया होगा, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इनको। तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करो, ये बराबर है कि पहले आप ए से लेके सी तक कर लो, फिर आप ऐड करो सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक, ये वही बात है ना, ए से लेके बी तक पूरा एरिया ये है। और इसका दूसरा हल क्या है कि आप ए से लेके सी तक निकालो, ये वाला पूरा एरिया आएगा, सी से लेके बी तक निकालो, ये पूरा एरिया आएगा, और आपस में ऐड कर देना, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि सी ये दरमियान में होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ आगे कि ए सी के दरमियान होना चाहिए, मतलब सी जो है वो ए से बड़ा हो बी से छोटा हो, उनके दरमियान में मौजूद हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए से लेके सी तक करोगे, सी से लेके बी तक करोगे, आपस में ऐड कर देना, ये बराबर होगा ए से लेके बी तक का इंटीग्रल। तो बस 6.10 यही है, ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टिल मैंने बता दी क्योंकि बहुत ही वर्ल्ड फेमस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट की, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिए कि अगर भूली भटकी आ गई तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात, उसके बाद आखिरी एक्सरसाइज है। और अगर आप मुझसे बोलो कि सर ऐसी कौन सा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो यूनिवर्सिटी में आएगा, तो मैं बोलूँगा 6.11। अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप ऑटोमोटिव कर रहे हो, कोई भी फील्ड आप कर रहे हो, इस कोर्स के अलावा आपका फील्ड हो ही नहीं सकता, आप वो कर ही नहीं सकते,
क्योंकि हर फील्ड के अंदर मैथ के बेसिक कोर्सेज होते हैं और मैथ के बेसिक कोर्सेज में ये वाला कोर्स होता है। ये कोर्स जो आपके अभी एक्सरसाइज में आया हुआ है, ये बाकायदा कोर्स होता है जो हमने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा है और अभी मैं जब मैथ में मास्टर्स कर रहा हूँ तो सेम नाम से ये मास्टर्स के अंदर भी कोर्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो अनफॉर्चुनेटली आपकी कैंसिल कर दी गई है और इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें इंटीग्रेशन का कहीं नाम नहीं है लेकिन है इंटीग्रेशन ही पूरी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आप लाजमी सुनोगे, लाजमी पढ़ोगे इसको, इसके बगैर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जैसे आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक फंक्शन आपके पास मौजूद था, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या डेरिवेटिव आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ना जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसको आप कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मुझे बताओ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास कोई पॉलिनोमियल टर्म्स आ रही हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर मौजूद है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल ये कि इसके साथ करना क्या है, तो बाकी इक्वेशन के साथ आप क्या करते थे, सॉल्व करते थे, इसको भी सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हो, इंटीग्रेट करके। तो अब आपको समझ आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर क्यों है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब ये सॉल्व होगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी। अब सवाल ये कि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यूज निकालते, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहां पे थीटा की वैल्यूज निकालते थे। अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लो, उसमें आप एक्स की वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहां पे क्या निकालोगे, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है आप कंसीडर करो कि ऊपर वाली इक्वेशन आपको नहीं पता, आपको जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता है। अगर आपको मालूम करना हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई है, मतलब किस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो वो आप इंटीग्रेशन की हेल्प लोगे। इंटीग्रेशन आपको हेल्प करेगी वो ओरिजिनल फंक्शन मालूम करने में कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था तो जिसका डेरिवेटिव ये आया था, ठीक है। तो इधर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप ओरिजिनल इक्वेशन निकालोगे जिसको डिफरेंशिएट किया था जो आपको मौजूद था। अब कैसे निकालोगे जरा देख लेते हैं। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं। एक ही मेथड आपकी बुक में मौजूद है जिसको आप बोलते हो सेपरेबल वेरिएबल, कि जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट करते हो। किस तरह करोगे, आप डी वाई को उधर रहने दो और डी एक्स को आप उधर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आप यहां पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दो, यहां पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दो। डी वाई का इंटीग्रल वाई के बराबर होगा। अच्छा, 3x स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो 3 को साइड पे करो, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3, 2x का इंटीग्रल 2 को साइड पे करो, x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रल होता है x के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 को आप साइड पे कर दोगे dx का इंटीग्रल x होता है। और फिर आप इंटीग्रेशन में क्या लगाते हो, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अगर गौर करो तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई है, इसी इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया था, आपको दोबारा वो इक्वेशन चाहिए थी तो आपने उसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास दोबारा वो इक्वेशन आ गई है। बस एक मसला हो गया, मसला ये हुआ है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। वहां पे कॉन्स्टेंट 1 था लेकिन यहां पे आपको नहीं पता तो आपने प्लस सी लिख दिया। तो अब इसको हम दो सॉल्यूशन कहते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी अपनी जगह पे रहता है, ये जनरलाइज सॉल्यूशन है, इसमें सी की कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें वो आपको कुछ कंडीशन दे देते हैं, जिन कंडीशन को आप यहाँ पे पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेते हो तो आपके पास सी की एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, तो उसको आप कहते हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आप सी रहने देते हो और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप सी की वैल्यू निकाल लेते हो। जैसे मैं आपको इसी सवाल में एक कंडीशन देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आ गई सबको बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं। इसको आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन, अगर आप सी की वैल्यू मालूम कर लो उसको आप बोलोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं आपको बुक से एग्जांपल देता हूं और उससे बताता हूँ कि लेट कर लो कुछ 6.11 का
क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, उससे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन था जिसमें आपके पास जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और आपको कुछ गिवन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6.11 का, जिसमें लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, और उसके आगे लिखा हुआ है कि वाई इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब ये दिखने में आपको लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ बाकी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, तो उसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस तो वही रहेगा, आप dx को उधर ले जाओ, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दो, dy का इंटीग्रल y, x को इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और आप एंड पे लगा दो प्लस c। अब ये जनरलाइज सॉल्यूशन आया है, लेकिन इस सवाल में आपको पर्टिकुलर निकालना है, कंडीशंस आपको गिवन है, ये कंडीशंस हैं, अब आपने इसको इस्तेमाल करना सीखना है। अच्छा, इसी कंडीशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इस नोटेशन में भी आ सकती हैं ये। सर, डिफरेंशियल इक्वेशन की इतनी अहमियत क्यों है, क्या डेली इंजीनियरिंग लाइफ की प्रॉब्लम? यार क्या बात आपने बोल दी है, ये अगर आप, मैं क्या बोलूँ आपको, आपके अराउंड जितनी भी यार कैसे मैं समझाऊँ आपको, यार जो आप जैसे एक जहाज बनाते हो ना, तो जहाज में आपने ये देखना होता है कि यार, मैं एक दो एग्जांपल ही दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जहाज का जो पूरा फिनोमिना चल रहा होता है कि आपने किस तरीके से जहाज को डिज़ाइन करना है, उसके जो विंग्स हैं उनको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, एक चीज़। अच्छा, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में आ जाओ, तो शॉपिंग मॉल में अगर आपने ये देखना है कि यार कौन से एरिया ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एसी की कूलिंग चाहिए, क्योंकि जब आप शॉपिंग मॉल बनाते हो तो आप सबसे पहले निकालते हो कि लोड क्या है उसका, किस जगह पे आपको कितना कूलिंग चाहिए, किस जगह पे आपको नॉर्मल कूलिंग चाहिए, मतलब जहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा है वहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो ये जो आप किसी भी चीज़ को जब परफॉर्म करने लगते हो, तो आप सॉफ्टवेयर में बैठ के ना एनालाइज करते हो, सॉफ्टवेयर आपको दिखाता है पूरा कि ग्रीन एरियाज वो होंगे जहाँ पे आपको लोड कम चाहिए, रेड एरियाज वो होंगे जहाँ पे आपको लोड ज़्यादा चाहिए। इसी तरह उसको छोड़ दो, वेदर की प्रिडिक्शन, जब आप वेदर को प्रिडिक्ट करते हो तो ये कैसे प्रिडिक्ट करते हो, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस इक्वेशंस है जिसका मैं नाम लूंगा आपको समझ नहीं आएगा, नेवियर स्टोक इक्वेशन है, लेकिन वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरी डिफरेंशियल है, उसको आप सॉल्व करते हो तो वो आपको बताता है, वो आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो वेदर की प्रिडिक्शन, अगर आप जहाज के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप वाटर की प्रिडिक्शन कर रहे हो कि फ्लड आ रहा है नहीं आ रहा, वाटर का किस तरीके से, मतलब पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है समंदर के अंदर, क्या आपके चांसेस हैं फ्लड आने के नहीं, तो जब आप ये सॉफ्टवेयर में काम करते हो, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस पे काम करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गई, इन पे सब पे काम करता है। तो उसको आप सॉल्व किस तरह करते हो, यही सारे मेथड होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक इक्वेशन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो मैं इक्वेशन आपको बता रहा हूँ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, वो तो खैर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इक्वेशन है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव और पता नहीं क्या क्या आया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी अहमियत अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप मास्टर्स लेवल पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि क्या चीज़ है पूरी। हाँ हाँ, एनालाइज करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा काम है। अब ये आपके लेवल पे जितने छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ कि अच्छा हाँ यार, वेदर की प्रिडिक्शन सभी हैं, लेकिन ये आप हर चीज़ में प्रिडिक्ट करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या वो कोई प्रॉपर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये इंजीनियर है पूरा। अच्छा, टॉपिक पे आ जाओ, मैंने बताया था इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और उस तरह भी लिख सकते हो, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? इस तरह लिखोगे तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाता है, अगर आपको सवाल में इस तरह लिखा हो तो आप डायरेक्ट देख लोगे y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर इस नोटेशन में लिखा होगा तो याद रखना ब्रैकेट के अंदर हमेशा x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू हमेशा बाहर होगी, तो इस तरह पहचानोगे इसको। जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये जो आप f ऑफ x लिखते हो तो ये ब्रैकेट के अंदर x क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, y की वैल्यू बाहर हो जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि y x होगा, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस तरह लिखी हुई ना, इसी इक्वेशन को मैं ये कर देता हूं, लो भाई अब तो x और y हट गया, अब क्या करोगे? तो आपने ये नहीं देखना है x और y कहां पे, आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखना है। जो नीचे आता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, तो यहां पे नीचे कौन सा है, U है, तो जो इंडिपेंडेंट होता है ना उसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है,
और जो डिपेंडेंट होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू बाहर होती है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे किसकी वैल्यू कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो आप वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, इसको वन बोल देते हैं, वैल्यूज पुट कर दो। आप वाई की जगह थ्री पुट करो और एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, यहाँ पे कॉस जीरो आ जाएगा प्लस सी, ये पूरी चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। कॉस जीरो वन के बराबर होता है, तो यहाँ से सी की वैल्यू फोर आ जाएगी। इस सी की वैल्यू फोर को आप यहाँ पे पुट कर दो, बस ये आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हो, कि इस सॉल्यूशन ने आपको ओरिजिनल इक्वेशन दी है। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, जिसमें कांस्टेंट आपको पता था, तो इसने आपको ओरिजिनल इक्वेशन दे दी है जिसके अंदर कांस्टेंट भी आपको पता है। तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन, और इसको आप कहोगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? अरे तुम इतनी मरी आवाज में क्यों बोलते हो, थोड़ा एनर्जी दिखाया करो, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मुसीबत टूट गई है तुम्हारे ऊपर। अब आखिरी टॉपिक है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, यही है। एक तो टॉपिक ये होता है कि इसको आप सॉल्व करना है आपने, तो आपने सॉल्व कर लिया पूरा। और एक टॉपिक होता है कि डिग्री बताओ या ऑर्डर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे तो इसका ऑर्डर भी वन होता है और डिग्री भी वन होती है। लेकिन अगर आप हाई लेवल पे जाओगे तो उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, कि जिसमें डिग्री ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो उस डिग्री और ऑर्डर के मुताबिक आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आपको डिग्री और ऑर्डर पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। यार आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है और x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे पहले c आ रहा था ना, तो पूरी इक्वेशन में आपने y और x की वैल्यू पुट की, उसके बाद आपने अरेंज किया, ये जीरो हो गया, cos जीरो वन के बराबर होता है, माइनस वन को उधर ले जाओ, c की वैल्यू फोर आ जाएगी। ये बस वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन है, उससे आपने एक अननोन c की वैल्यू निकाल ली, जो भी वैल्यू आई वो आपने इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर दी। इक्वेशन वन पहले इस तरह थी, सी लिखा हुआ था उसके अंदर, तो आपने वैल्यूज पुट करने के बाद सी की वैल्यू निकाली, फिर आप सी की वैल्यू इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देना। अच्छा, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जी क्या होता है। तो अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये आप तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आप लोगों के लेवल पे भी नहीं है, लेकिन जरा इसको देख लो। सबसे पहले जहन में रखो, स्टूडेंट की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो समझते हैं कि अगर आपके पास लिखा हो डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर मौजूद हो तो वो उसको इस तरह कर देंगे। तो ये जहन में रखना कि दोनों चीज़ें कभी भी बराबर नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर स्क्वायर है। पहली वाली चीज़ का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर स्क्वायर, लेकिन दूसरे वाले का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। अगर आप इस नोटेशन को देखो तो इस नोटेशन का मतलब है कि आपने y को दो दफा डिफरेंशिएट किया है, तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव और इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। आप इस तरह स्क्वायर को dy वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये dy वाई अपॉन डी एक्स नॉर्मल आपके अननोन्स नहीं है x और y के, जिसमें आप इस तरह आराम से उनकी पावर लगा दोगे। इसी तरह कभी इस तरह आता है तो स्टूडेंट ये कर देते हैं, अगर आपके पास लिखा हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर हो, तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पावर फोर कर देते हैं। वो कहते हैं भाई इसकी पावर टू है, ऊपर भी टू है, तो मल्टीप्लाई कर दो, फोर हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये जो अंदर टू लिखा हुआ है ये पावर नहीं है, ये टू आपको बता रहा है आपने कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया है। इसको पावर मत समझना, वरना सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है ना टू और बाहर थ्री लिखा हुआ है, तो इसको सिक्स ना कर देना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप खेल जाओगे। खैर, टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक ये है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर ये होता है कि सबसे हाईएस्ट दफा, अगर आप इक्वेशन में देखो तो आप ऐसी टर्म देखो जिसको हाईएस्ट दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव और ये है थर्ड डेरिवेटिव। ये वो टर्म है जो आपको शो कर रही है कि तीन दफा आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको आप ऑर्डर बोलोगे। तो यहां पर ऑर्डर क्या है, थ्री है, कि आपने तीन दफा डिफरेंशिएट किया है, ठीक है? तो जो सबसे ज्यादा जिसका जितनी दफा आपने डिफरेंशिएट किया होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। या इन शॉर्ट आप देखोगे यार ये अंदर जैसे यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे तो एक ही दफा किया हुआ है, यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरी चीज, डिग्री क्या होता है? जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ना, जैसे ये टर्म जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, इसके थ्री ऑर्डर है, इसकी जो पावर है उसको आप डिग्री बोलोगे। दोबारा बताता हूं, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ना, इसकी जो पावर है, इसकी पावर आप इस तरह लिखोगे, इसकी पावर अभी क्या है, वन है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आप उसकी पावर देखते हो, तो उसकी जो पावर है ना उसको आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहन में रखना पावर इसकी, अच्छा इसकी नहीं देखना, क्यों? स्टूडेंट समझते हैं कि यार इसकी डिग्री थ्री है ना, तो वो उनके पास वो कॉन्सेप्ट होता है अल्जेब्रिक इक्वेशन का कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसको आप डिग्री बोलते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नहीं होता, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है ना उसकी आप पावर देखते हो। ये डी स्क्वायर वाई ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म नहीं है, तो इसकी पावर कुछ भी है वो आप डिग्री नहीं बोलोगे। जो हाईएस्ट वाली है ना उसकी जो पावर होगी उसको आप डिग्री बोल दोगे, ठीक है? तो डिग्री क्या होगा, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसका आप लोग आंसर बताओ और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑर्डर और डिग्री आपने बताना है। हाँ भाई बच्चों, सबसे पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या है। थ्री, हाँ बिल्कुल सही है। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो दो आए में, ये भी थ्री है ये भी थ्री है, मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव को तीन दफा किया हुआ आपने, तो ऑर्डर थ्री है इसका। और डिग्री, डिग्री फोर है। हाँ अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर ये भी हाईएस्ट ऑर्डर। तो अगर आपकी इक्वेशन में एक हाईएस्ट ऑर्डर है तो आप उसी की पावर देखो, जो उसी की पावर होगी वो डिग्री बोल दोगे आप। लेकिन अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या तीन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, ये भी क्यूब वाला है ये भी क्यूब वाला है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम पावर किसकी है। अगर इस वाले हाईएस्ट ऑर्डर की देखो तो इसकी पावर वन है, और इसकी देखो तो इसकी पावर फोर है। जो मैक्सिमम पावर होगी वो आप पिक कर लोगे। तो यहाँ पे ऑर्डर है थ्री के बराबर और डिग्री है फोर के बराबर। दैट्स इट।